वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मैंगो फेशियल, जो कि आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होने वाला है। 100% गारंटी देती हूँ कि अगर आप इसे यूज़ करोगे तो आपको 100% चेंजेस जो है वो अपनी स्किन में देखने के लिए मिलेंगे। सो चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते क्योंकि मैंने वीडियो बहुत लंबी बनाई है, सो देख लेना, स्किप करके देखो या जो भी करके देखो, लेकिन मैंने वीडियो के बीच बीच में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बातें बताई है। सो अगर आप स्किप करके देखोगे तो आपकी वो मिस होंगी। सो इट्स अप टू यू, आप कैसे देखना चाहते हो आपके ऊपर है। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेक श्योर अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर देना। चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ मैं और आपको दिखाना चाहूँगी कि मैंने क्या क्या प्रिपरेशन जो है वो आपको फेशियल को करने से पहले आपको करके रखनी है। तो मैं आपको दिखा दूँगी कि मैंने यहाँ पे यू नो क्या क्या मतलब अरेंजमेंट करके रखा है। सो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ये इस टाइप का मैंगो लिया है, इसे मैंने अच्छी तरीके से पील कर लिया, मतलब छील लिया है, आप देख सकते हैं। इस तरीके से कट कर लेना है, ऐसे छोटे छोटे टुकड़े करके मैंने यहाँ पे नाइफ की हेल्प से किया। कैसे भी आप कर सकते हो, अगर आप चाहो तो इसे मैंने इसे यहाँ पे इस तरीके से कट कर लिया। अब इसका हाफ पार्ट मैंने लिया है, इस प्लेट में मैंने एक पूरा मैंगो लिया था तो इसका हाफ मैंने ऐसा लिया है। एंड इसे मैंने अच्छी तरीके से एक स्पून की हेल्प से मैश कर लिया है। एंड आप जैसे कि मैंने आपको बोला कि आप ऐसे भी कर सकते हो मिक्सी वगैरह में भी, सो या फिर किसी ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे तरीके से हमें इसका स्मूथ एक पेस्ट बना देना। अब इसे मैं पूरी सारी चीज़ें बनाने के लिए यूज़ करूँगी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक बाउल में गर्म पानी लिया है स्टीम लेने के लिए। सो बेसिकली मैं जितने भी आज तक फेशियल्स अगर CTM दिखा चुकी हूँ, मैं हर बार बोलती हूँ कि स्टीम जो रहती है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहती है। स्टीम के बाद अपन जो भी प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, जो भी हम रेमेडी यूज़ करते हैं, उसका जो इफ़ेक्ट जो रहेगा ना, वो आपको 10 times बढ़कर आपको देखने के लिए मिलेगा। मतलब 10 times आपको ज़्यादा आपको इफ़ेक्टिव आपको दिखेगा, रिजल्ट्स दिखेंगे। तो स्टीम लेना जो रहता है वो बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी रहता है। अगर आपका मन है तो डायरेक्ट ऐसे करके स्टीम ले लो, ऐसे में आपको नहीं अच्छा लग रहा है तो आप नॉर्मली क्या करो, एक कोई भी टॉवल लो या हैंकी वगैरह लो, गर्म पानी, ये नॉर्मल गर्म पानी है ठीक है, ज़्यादा आपको गर्म नहीं करना है। देन आपको अगर आप स्टीम ऐसे करके ले रहे हो तो आपको थोड़ा ज़्यादा गर्म रखना है क्योंकि हम इससे दूर ही रहते हैं। लेकिन अगर आप नैपकिन के थ्रू अगर आप ले रहे हो स्टीम, तो आपको क्या करना है, ये जो है नॉर्मल गर्म रखना है। देन हैंकी वगैरह जो भी इसमें पूरी तरीके से आपको डुबा लेना है एंड उसे निचोड़ के देन आपको उसको थोड़ी देर आपको अपने फेस पे रखना है। मैं यूजुअली मैं ये सेकेंड वाला स्टेप जो है वो फॉलो करती हूँ, चाहे अपने वीडियोस में हो या रियल लाइफ में हो, मैं सेकेंड वाला स्टेप ज़्यादा फॉलो करती हूँ जो मुझे वैसे स्टीम लेना पता नहीं क्यों नहीं पसंद है। सो या फर्स्ट हमको ये चीज़ प्रिपेयर करके रखनी है एंड सेकेंड चीज़ जो है वो हमें यहाँ पे लेना है चिल्ड वाटर। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, एक हॉटपॉट टाइप का कुछ है कंटेनर, तो मैंने इसमें पानी लिया है एंड इसमें मैंने आइस क्यूब्स डाल दिए हैं 2-3 you know, अगर कुछ लोग मैंने अभी आज थोड़े टाइम पहले मैंने 7 days रूटीन आपके साथ हेल्दी एंड ग्लोइंग स्किन चैलेंज शेयर किया था, जिसमें मैंने 7 दिन तक अलग अलग रेमेडीज़ आपके साथ शेयर किया। तो उसमें भी मैंने आपको एक चीज़ मैंने हर वीडियो में बोली है कि आपको सुबह को मॉर्निंग में उठ के आपको ठंडे पानी से मुंह धोना है। ठंडा पानी मतलब फ्रिज वाला पानी, नॉर्मल उस वाले पानी की मैं बात नहीं करूँ, ठंडे पानी की बात करूँ। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर किसी को ऐसे बहुत सारे लोग रहते हैं जिसके ऊपर आइस क्यूब उनके फेस के ऊपर नहीं सूट करती है, उनको उससे रिएक्ट करने लगता है, सो आप एक बॉटल भर के रख लो फ्रिज में, उस ठंडे पानी को आप यूज़ करो। तो यार नेक्स्ट चीज़ मैंने ये लिया है। तो चलिए कर लेते हैं फेशियल को स्टार्ट। स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और बोलना चाहूँगी कि मैंने बहुत सारी होम रेमेडीज़, बहुत सारे फेस मास्क, बहुत सारे मैंने आपके साथ शेयर किया है। इसके अलावा अगर आपको कोई भी चीज़ इसमें से नहीं मिलती है, स्किप कर दो आप उसको, ऑयली स्किन वाले हो तो जितनी भी चीज़ें मैं यहाँ पर आपको बनाना सिखाऊँगी या जो भी मैंने आज तक फेस मास्क वगैरह जो भी बोला है आपको, उसमें 1 tablespoon आपको हनी ज़रूर ऐड करनी है, चाहे मैंने बताया हो चाहे मैंने नहीं बताया हो, लेकिन आपको वो ऐड ज़रूर करनी है। तो चलिए करते हैं फेशियल को स्टार्ट। एंड ह्यूज लिस्ट मैंने प्रिपेयर करके रखी है, मेरे चैनल पे शेयर करके रखा है। अगर आपको ये नहीं अच्छा लगे, कुछ और पिक करना हो तो आप वो पिक कर सकते हैं। यू नो अगर आप वीक में अगर एक बार भी अगर कोई फेशियल अगर आप आपको चाहिए डिफरेंट करना, तो भी अगर आप उस लिस्ट में से करोगे तो भी वो ख़त्म नहीं होंगे क्योंकि मैंने बहुत सारे आपके साथ शेयर किया।
तो बहुत बोल दिया मैंने आई थिंक। सो अब स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले हमें अपने फेस को नॉर्मली वॉश कर लेना है, देन मैं एक टॉवल की हेल्प से अपने फेस को स्टीम दूंगी। सो सबसे पहले मैं इस तरीके से पूरे फेस, मैंने ये मतलब गर्म पानी में मैंने इसे वो कर लिया। अब मैं अपने पूरे फेस पे इसे थोड़ी देर के लिए रखूँगी। सो एटलीस्ट आपको इसे 3 मिनट तक या फिर 4 मिनट तक आपको इसे ऐसी तरीके से रखना है दो बार। सो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ये रेडी किया है ये क्लेंज़र। आप इसे एज अ फेस वॉश भी यूज़ कर सकते हैं, यू नो, अगर आपका इस क्वारंटाइन में अगर आपका फेस वॉश जो है वो अगर कम ख़त्म हो चुका है। सो यहाँ पे क्लेंज़र बनाने के लिए यहाँ पे मैंने मिल्क लिया है, मिल्क में रॉ मिल्क लिया है, एंड 1 चम्मच मैंने इसमें सिर्फ ये पल्प मिलाई है, मैंगो पल्प। मैंने इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। इसे आप एज अ फेस वॉश भी यूज़ कर सकते हो, बहुत अच्छा। अच्छी तरीके से हमें इसे मिक्स कर लेना है ताकि यू नो कोई भी मैंगो का जो पीस। तो सबसे पहले ये जो क्लेंज़र जो है इसमें कॉटन बॉल की हेल्प से या फिर कॉटन पैड की हेल्प से लगा रही हूँ। इस तरीके से मैंने इसमें डिप किया है एंड दो बार आप इसलिए मैंने जितना भी मैं बता रही हूँ मैंने दो बार के अकॉर्डिंग बनाया है। आपको इसे अपने पूरे फेस पे पहले अप्लाई करना है, पूरे फेस को क्लीन कर लेना है। यू नो आप इसे फेस वॉश की जगह पे भी आप इसे यूज़ कर सकते हो। वीडियो बड़ा हो जाए तो माफ़ी चाहूँगी। इस फेशियल से आपको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव रिजल्ट्स मिलेंगे, 100% गारंटी देती हूँ। आप अगर एक बार ट्राई करो, मैंगो का सीज़न है, हर कहीं अवेलेबल है, बहुत अच्छे आपको इससे रिजल्ट्स ग्लो देखने के लिए मिलेगा। पार्लर्स में जितना ग्लो मिलता है ना उतना। सो अब हमें क्या करना है, एक टॉवल लेना है एंड ये जो हमने ये चिल्ड वाटर लिया है उसमें डिप करके आपको अपने फेस को हर एक स्टेप के बाद में आपको क्लीन करना है। चिल्ड वाटर ज़रूर यूज़ करें, आपको दोगुने रिजल्ट्स मिलेंगे। ओके सो अब हम आती है स्क्रब की बारी। सो अब हम स्क्रब करेंगे। सो आप फटाफट से देख लीजिए कि हमें स्क्रब बनाने के लिए क्या क्या रेडी करना है। सो अब हम बनाने वाले स्क्रब। स्क्रब बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक अलग से बाउल लिया है एंड इसमें मैंने 2 चम्मच समथिंग कुछ पल्प लिया है एंड यहाँ पे एक बॉक्स में मैंने ये शुगर जो है से एकदम पीस लिया है, मतलब ज़्यादा नहीं पीसना है, दरदरा पीसना है। एंड यहाँ पे 1.5 चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ एंड इसे अच्छी तरीके से हमें मिक्स कर देना है। इस तरीके से पेस्ट बना देना, बहुत ही ज़्यादा माइल्ड रहता है, अच्छा रहता है, एक जेल फॉर्म में ही कन्वर्ट हो जाएगा। सो ओके सो हमारे पास यहाँ पे अपना स्क्रब जो है वो रेडी है कि हेल्प से लूँगी और अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर लूँगी। सो यू नो अगर किसी की एक्ने प्रोन स्किन है सो वो ये वाला जो स्क्रब जो है उनके लिए इजीली यूज़ हो जाएगा क्योंकि हमने इसमें पाउडर शुगर जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं मिलाई है और जो शुगर जो रहती है वो इसमें जाके मेल्ट हो ही जाती है। सो ये आपकी स्किन के लिए माइल्ड रहेगा, आपकी स्किन को कोई हार्श नहीं करता। और हमें मसाज करना अपने फेस की स्टार्ट करनी है। 5 मिनट्स तक आपको अपने फेस की मसाज करनी है। सो ओके इतनी स्टेप्स करने के बाद में आप देख सकते हो कि मेरे फेस से कितना ज़्यादा ग्लो दिख रहा है। आपको पता नहीं दिख रहा है या नहीं, तो मुझे तो दिख रहा है। सो या एक पॉइंट मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगी, कोई भी जो रेमेडी जो रहती है वो आपको गोरा नहीं बना सकती है। बहुत ज़्यादा जैसे कि बोलते हैं दावा करता है कि गोरा बना देंगे, गोरा नहीं बना देती है। वो आपकी स्किन को इम्प्रूव करती है, स्किन के टेक्सचर को इम्प्रूव करती है, आपकी स्किन को अच्छा बनाती है, ग्लोइंग बनाती है, सिर्फ इतना ही वो करती है एंड डेड सेल्स को निकालती है। सो यार चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ जो कि है हमारी ये जेल। सो अब हमने ये बना हम ये यूज़ करने वाले हैं ये जेल एंड इसकी हेल्प से मतलब ये फेस पे करेंगे मसाज। सो अब आप जल्दी से देख लीजिए कि ये जो जेल जो है वो मैंने किस तरीके से बनाई है। सो अब यहाँ पे जेल बनाने के लिए मैंने अलग से एक बाउल लिया है, एलोवेरा जेल लिया है ट्रूडर्मा की एंड इसमें विटामिन ई का कैप्सूल मिक्स किया है एंड पैराशूट ऑयल जो है मैंने इसमें 1/2 टेबल टीस्पून ऐड किया है। सो अगर आप इसे चाहो तो यू नो ऑयल को स्किप कर सकते हो। सो मैं
अभी शूट कर रही हूँ, तो अगर शाम तक आ जाएगी। तो हमें इस स्टेप के बाद में अपने फेस को ठंडे पानी से नहीं वॉश करना है, इसे इसी तरीके से लगा के रखना है एंड एब्जॉर्ब होने देना अपने स्किन में। एंड इसके बाद में अपन यूज़ करेंगे एक फेस पैक, सो जिसकी रेमेडी अभी आपको देखनी पड़ेगी। फेस पैक बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक बाउल में मैंने ये लिया है पल्प एंड इसमें मैंने दही मिक्स किया एंड दही ऐड करने के बाद में थोड़ी सी मैंने ये बचा के रखी, मैंने जितनी ली थी। सो इसके बाद में मैंने इसे अच्छे तरीके से हमें इसे मिक्स कर लेना है। आप अगर चाहो तो ऐसे भी मतलब पैक को लगा सकते हो, लेकिन मैं इसमें राइस फ्लावर मिक्स करने वाली हूँ, चावल का आटा मिक्स करने के बाद में आप इसे इतना भी कर सकते हो। एलोवेरा जेल मैंने इसमें थोड़ी सी ऐड किया है एंड विटामिन ई का जो कैप्सूल जो है वो ऐड किया है। मैं नॉर्मली सारे जो फेस पैक जो रहते हैं उसमें यूज़ करती हूँ, ये बहुत अच्छा रहता है विटामिन ई अपने फेस के लिए, तो अपनी स्किन के लिए एंड साथ ही साथ बालों के लिए बहुत अच्छा रहता है। अच्छे से मिक्स करके इस टाइप का एक पेस्ट रेडी कर देना। तो ओके, जो अब हमने ये फेस मास्क बनाया है उसे हम अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर लेंगे। यू नो, अगर आप फेशियल नहीं भी कर रहे हो तो इस टाइप का मास्क बना के रख सकते हो समर्स में एंड लगा लो अपने फेस पे, इतना भी सफिशिएंट है, बहुत है। इसे ड्राई होने के लिए रखना है, जब तक ये ड्राई हो उसके बाद में हमें इसे वॉश करना है। तो मिलती हूँ ये ड्राई होने के बाद। सो नाउ यू कैन सी कि ऑलमोस्ट जो है वो ड्राई हो चुका है। मैं जितने भी अपने फेस पैक वगैरह जो भी शेयर की हूँ, मैंने उसमें बोला है कि आपने देखा ही होगा कि मैं कंप्लीट ड्राई नहीं करती हूँ। एंड आपको भी अपने जो भी आप मास्क यूज़ कर रहे हो सिर्फ एकदम कंप्लीट ड्राई नहीं होने देना है, नहीं तो इससे जो स्किन जो रहती है ना वो अपनी हार्श होने लगती है, मतलब ड्राई होने लगती है। सो अगर आप उसे बहुत ज़्यादा ड्राई होने तक रखोगे ना तो वो अपना उल्टा असर दिखाता है, तो हमें तब तक ही रखना है जब तक ये नॉर्मल ड्राई नहीं हो जाए। नॉर्मल ड्राई हो जाए तब ही हमें इसे वॉश कर लेना है अपने फेस को। तो मैं वॉश करने के लिए यहाँ पे नहीं उठती हूँ, मैं उसी ठंडे कपड़े का यूज़ करके मैं पूरा जो है वो क्लीन कर लूँगी। सो ओके, नाउ यू कैन सी द ग्लो ऑन माई फेस। सो अब मैंने बहुत अच्छे तरीके से क्लीन कर लिया है। अब नाउ मैंने नॉर्मल क्लॉथ से भी अपने फेस को वॉश कर लिया। अब यहाँ पे मैं अपनी अपनी जॉनसन्स बेबी यूज़ कर रही हूँ। आपको जो आपके पास अभी अवेलेबल हो आप वो यूज़ करो, जो आपको सूट करते हैं आप वो यूज़ करो। सो या बस लगा लो अपने पूरे फेस में, छोड़ दो, दैट्स इट। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। अगर थोड़ा सा भी यूज़फुल रहा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को। शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, समर के लिए बहुत ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, आप ये कर सकते हो। एंड या अगर आपको लेटेस्ट अपडेट के लिए जानना है क्या मैं वीडियो अपलोड करने वाली हूँ या वॉट एवर, सो आप मुझे फॉलो कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल यहाँ पे नीचे कहीं पे शो हो रहा होगा, तो आप मुझे इस पर फॉलो कर सकते हो। लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में भी इसकी लिंक मिल जाएगी। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। बाय 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 बाय।